ए ऊपर वाले में तो लेट हो चुका हूँ, बचा लेना मुझे। जी आप ही सही हैं? जी सर, सर ने आपको अंदर बुलाया। ओके थैंक यू जी। हे भगवान, मुसीबत दूर करो, मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए, ऐसी कहानी सुनाने वाला एक अच्छा डायरेक्टर भेज दो। नमस्ते सर। क्या आप ही वो डायरेक्टर हैं? आइए बैठिए। थैंक यू सर। क्यों डायरेक्टर, कहानी एकदम कॉमेडी है ना? फुल कॉमेडी है सर, सुपर हिट बनेगी। मुझे सुपर हिट नहीं चाहिए, ब्लॉकबस्टर चाहिए। अरे मैं बना के दिखाऊंगा सर, अपनी मूवी देख के पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल जाएगी सर। हिला के रख दे। हाँ। अगर कुछ भी आगे पीछे हुआ तो मैं चार मीनार की गलियों में गोली भेजकर अपनी जिंदगी सवार लूंगा। लेकिन तुम सब लोग उस लायक भी नहीं रहोगे, ब्रांड चाहिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साई किशोर वर्मा। अच्छा ठीक है, डायरेक्टर अगर खुश हो गया तो एक अच्छी फिल्म बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एकदम बढ़िया ब्लॉकबस्टर। चलो अब कहानी सुनाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात सुनो, अगर मुझे कहानी पसंद आ गई तो अभी तो 5 दिया है, आगे 10 और दूंगा। तो शुरू हो जाओ, ब्लॉकबस्टर कहानी सुनाओ। फिल्म की शुरुआत करते हैं टाइटल से, क्रेजी अंकल्स। ये कहानी है हैदराबाद के रहने वाले राजू, रेड्डी और राव की, या कहें कि ट्रिपल आर की कहानी। स्वीटी यहाँ आ गई है क्या? ये राजू है, इसके पास दुनिया का सारा पैसा आ जाए तो भी कम है, ये लोगों का कैसे फायदा उठाता है आप देखिए। अरे पैसे को देखकर कोई मना कर सकता है क्या? उसे पूरा पैसा दिखाओ, भागते हुए आएगा। सर प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है इसलिए वो लोग डर रहे हैं। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी का ही धंधा है अपना। अब चलो। अच्छा ये बताओ रेट क्या चल रहा है? सर उस एरिया में 1 square foot का 1 lakh rupees चल रहा है। सुनिए मैं इसके 50,000 दूंगा। ये तो बहुत कम है सर। आपके पड़ोसी 25,000 देने के लिए भी तैयार है। ए, सुनो हाँ। उसी से बात कर लो। ओके सर। सर एक मिनट सर, मुझे चलेगा सर। ओके अच्छी बात है, तो रजिस्ट्रेशन हम कल ही कर देते हैं। अब ये पैसे अपने पास ही रखिए और इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। अच्छा सुनो पीटर। सर इस बगल वाली जमीन को हमने 20,000 में खरीदा, ऐसा तुम दूसरी पार्टी को बता दो। लेकिन कभी उन लोगों ने आपस में बात कर ली तो? घर में रहने वाले पति और पत्नी और आसपास रहने वाले पड़ोसी हमेशा झगड़ा करते हैं, अपनी बात शेयर नहीं करते, इतना भी नहीं जानता। स्वीटी जिसके लिए ये प्रॉपर्टी ली गई थी उसके बारे में जानते हैं, आइए। अरे मेरा क्या होगा, हे भगवान। अरे स्वीटी यहाँ पे क्यों आ रही है, आगे तो मुसीबत हो जाएगी। अब हम रेड्डी भाई के बारे में बात करते हैं जो कि पेशे से एक सुनार हैं। उनके गले में सोना है, उनके हाथ में सोना है, उनकी जिंदगी में सोना ही सोना है। बापू आपके पैसे का कभी नुकसान नहीं होगा, हमारे यहाँ जो क्वालिटी मिलेगी वो पूरे शहर में नहीं मिलेगी, हम इसे सीधे दुबई से इम्पोर्ट करते हैं, पूरा 24 कैरेट खरा सोना, समझ गए? आपकी बड़ी माँ आधा किलो सोना लेके गई है। वो तो है, इसीलिए तो मेरी बेटी भी यहाँ आती है। अरे रघु वो नई वाली डिजाइन दिखाओ जरा सर को। देख लिया ना आपने इनके बोलने का ढंग, खुद झूठ भी इनकी बात को सच समझने लगता है। स्वीटी को यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? बाप रे कहीं वो इधर आ गई तो। अरे भागो। और ये है अपने राव जी, इनका धंधा है फाइनेंस का। देखो भाई तुमको जितना पैसा चाहिए मैं दिला दूंगा, लेकिन सूद की बात करूं तो वो तो कम कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है भाई। ठीक है जाके के डॉक्यूमेंट लेकर आओ और पैसे लेकर जाओ, 2 crore 6 months के लिए, चलेगा? ठीक है भाई। मेरी एक फ्रेंड है जो OTT में वेब सीरीज बनाने के बारे में सोच रही है, आप फाइनेंस कर देते तो। ओ अंकल सुनो, ये OTT वेब सीरीज के लिए मैं पैसा कभी डालता नहीं है, समझे ना, इधर धंधा करने वाले और कराने वालों की कोई गारंटी नहीं है, तो अपन का लफड़ा मोल लेगा। चलो अभी फोन रखो मैं जा रहा हूँ। यही इनका कैरेक्टर है, दुनिया कुछ अलग करने की कोशिश करती है लेकिन ये अभी भी सूद और ब्याज का धंधा करते हैं। सुना है स्वीटी आने वाली है। ओ, मेरे को भी अभी। अरे वो यहाँ पे क्यों आ रही है? वैसे तुम लोग टेंशन में क्यों हो? मैं क्या बोलूँ, मेरे को भी उसी बात का। अरे क्या बताऊँ, तुम लोगों की टेंशन देख के मेरे को टेंशन हो रही है। मैं क्यों टेंशन लू, स्वीटी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसे मुझे पता चला कि वो आने वाली है मैं दौड़ा चला आया। Huh?
उनकी बिल्डिंग में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर रहने के लिए स्वीटी जैसी सेलिब्रिटी आने वाली है, जिसने आते ही बिजलियाँ गिरा दी। देखते ही इन तीनों की पैंट गीली हो गई। ऐसी लड़की देखने के बाद दिल खुश होने के बजाय इन तीनों की पैंट गीली हो गई। ऐसा क्यों हुआ था ये जानने के लिए आइए सर अब हम चलते हैं फ्लैट नंबर 420 की तरफ, जहां ये लोग बैठकर शराब पिया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये रूम नंबर 420 कहां से आ गया। हाँ, फ्लैट नंबर 420 मेरा है। अरे वास्तु परफेक्ट है सर, आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे 5-स्टार होटल है। जो भी इसमें रहता है वो तो पक्का सक्सेस होता है सर। किसी ने सुसाइड किया क्या? सुसाइड? कुछ भी बात मत करो, फालतू की बकवास करते रहते हो। और इन तीनों ने अपने मजे के लिए यह अफवाह उड़ाई कि फ्लैट में भूत प्रेत रहते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। क्यों भाई आ गया तू? अरे ये मेरा साला है, बहुत चलती है इसकी कुलावा में। उधर से फ्रेश मच्छी उठाई घर गया और फ्राई करके ले आया। अरे राव स्वीटी का गाना तो लगा दो भाई। अरे ये तो 24 कैरेट सोना लग रही है। सुनिए एक बार अगर लिटिगेशन का मामला क्लियर हो जाएगा ना तो अरे बस है बाबा बस। अरे टीवी पे इतनी सुंदर दिख रही है तो असली में कितनी सुंदर होगी, मेरी लाइफ पार्टनर बन जाएगी तो कसम से मजा आ जाएगा। कुछ भी करूं तुझसे मतलब। क्या है बापू, मेरी तरह तुम भी बीवी को छोड़कर किसी और पे लार टपका रहे हो। देख यार बीवी ताजमहल जैसी होती है, उसे बस देखते और खुश हो जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो, समझ क्या रखा इसे तुमने? रोज रोज नई बातें करते रहते हो, कभी कहते हो माँ के यहाँ मत जाओ, बहन के यहाँ मत जाओ। अगर ऐसी हरकतें करते रहोगे तो ये प्यार कैसे करेगी तुमसे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पति पत्नी को मिलकर गृहस्थी चलानी पड़ती है। हमेशा दूसरों को समझाते रहती है पर अपने पति को कैसे खुश रखना है ये नहीं जानती। सरोजा जब जब मैं मूड में रहता हूँ हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ये नहीं सुधरने वाली। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। सरोजा आई बात समझ में? क्या है जी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे जरा रुकिए तो, और सुनो आइंदा से कभी भी अपनी बीवी को इस तरह से परेशान करने की कोशिश की ना तो मीडिया वालों को इकट्ठा करूंगी और तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी, समझे? अब तो ऐसा नहीं करोगे ना? हाँ मैडम, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, नमस्ते। ऐसे भूखे शेर की तरह क्या घूर रहे हो? मैं तुम्हें रोमांटिक मूड में देख रहा हूँ और तुम्हें घूरना लग रहा है। अरे छोड़ो, जाओ चुपचाप सो जाओ, सुबह मुझे बहुत काम है, एक बहुत बड़े प्रोग्राम में जाना है। अरे मेरी किस्मत। यही है राजू की बेडरूम की समस्या। अब चलकर रेड्डी की समस्या देखते हैं। अरे रे रे रे, दीवाना हूँ मैं, सबका दीवाना हूँ मैं। आज तो जश्न मनाएंगे, सोने का रेट बढ़ने से मुझे बहुत फायदा होगा, चलो सेलिब्रेशन करें। गुरुदेव की दया। अरे ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। खुद को अब भी बहुत जवान समझ रहे हो क्या? इस उम्र में पूजा पाठ करते हैं ये सब नहीं। अरे मैं क्या बोलूं, देखो तो सही मेरी पीठ जरा दर्द हो रही है। देखो दर्द हो रहा है तो दवा लगाओ ना, परफ्यूम भी लगा रहे हो। चुपचाप जाकर सो जाओ और मुझे पूजा पाठ करने दो। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, सब लोगों को मिलकर एक फैसला लेना होगा। यहाँ आओ ना, इस सोसाइटी में सत्संग होगा। हाँ पैसे की फिक्र आप मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगी। आओ ना प्लीज। अरे अंदर चाहिए ना। अंदर चाहिए। ये है रेड्डी और उनकी बीवी की समस्या, रोज उठना नहाना और पूजा पाठ करना। आइए देखते हैं कि राव की बीवी क्या कर रही है। शो।
फिर से आ गया। अरे खाली बस एक बार देना। क्या है ये, तुम्हें हमेशा एक ही चीज चाहिए। अरे जरा बात को समझो ना, जो कुछ भी है वो हमारे बीच का मामला है ना। चलो ना अपने रूम पे चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ, तुम नाइट पार्टी के लिए चले जाओगे और मैं पड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने अलग घर ले लिया है। अब यहाँ भी नहीं रहने दोगे क्या? अरे समझो ना, खाली एक बार। शी, हटो, दफा हो जाओ। रुको रुको रुको। अरे दरवाजा बंद कर लिया रे। और ये है राव की असली कहानी। इसको अपनी बीवी चाहिए और बीवी को चाहिए डिवोर्स। हेलो वकील साहब। हाँ जी बोलिए। कल आधी रात को वो मुझे ले जाने आया था। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। डिवोर्स हो जाएगा ना? अरे नहीं, डिवोर्स ऐसे ही बेल बजाने से थोड़ी मिलता है। वो तो कोई भी बजा सकता है। तुम्हारी आपस में जो बात हुई है उसका वीडियो फुटेज मुझे भेज दो, मैं तुम्हारा डिवोर्स करा दूंगा। यही इन तीनों ट्रिपल आर की समस्या है। इनके घर में पति पत्नी के बीच में कोई तालमेल नहीं बनता है, इसीलिए सिंगर से तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं। जैसे कि बैंक में तो पैसे हो लेकिन एटीएम कार्ड हाथ में ना हो, यही है इनकी जिंदगी का असली रूप। ये लड़की तो बगल वाली सोसाइटी में जो योगा क्लास है वहाँ आती है। ये बात सुनते ही इन तीनों ने मिलकर, हाँ मुझे समझ में आ गया, ये लोग वहाँ योगा सीखने के लिए चले गए है ना। सही पकड़े हैं, ये लोग वहीं चले गए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्कार। ये कौन सा प्लान चाहिए आपको? अब वही प्लान जो सिंगर स्वीट के लिए है। उन्होंने तो वीवीआईपी प्लान लिया है, तो वही हम भी दे दीजिए ना। ये फॉर्म भर दीजिए। अच्छा ठीक है, दीजिए। जी करता हूँ। आपका नाम क्या? अच्छा। ये तीनों अपनी अपनी डिटेल्स भरने लगे। सर आपने सेक्स के कॉलम में मंथली वन टाइम लिखा है। वो तो बस। और सर आपने सेक्स आफ्टर मैरिज लिखा है। हाँ तो वही सच है ना। और आपने नो सेक्स आफ्टर मैरिज लिखा है। आप लोगों को मेल लिखना है। अभी लिखता हूँ। और तभी भी आती है। अरे बेबे आज तो ये बहुत सुंदर लग रही है। जरा चाल तो देख इसकी। इसके लिए तो मैं अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दूँ। 24 कैरेट सोना। हम सब लोग योगा क्यों करते हैं? अपने स्वास्थ्य के लिए, मन को शांति मिलने के लिए, क्रोध पर काबू करने के लिए। हमारा दिल जो बोलता है उसे हमारा शरीर नहीं सुनता, हमारा शरीर जो बोलता है उसे हमारा दिल नहीं मानता। इन दोनों का जिस एक जगह पे संगम होता है उसे योग कहते हैं। तो अब शुरू करें। अपने दोनों पैरों को फैलाओ इस तरह से। अब सुखासन। अरे खुद को संभालो, जरा ध्यान से करना, कहीं नीचे ना गिर जाओ। तुम्हारे आसन की सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा ये पेट है, आराम से इसे पिचकाओ। आसन करोगे तो कम हो जाएगा, आसानी से पिचक जाएगा। अब मैं चलती हूँ। अच्छा जी। नमस्ते। नमस्ते, कहो क्या बात है? हम लोग आज पहली बार आए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम लोग रोज बीमार होकर आना, ठीक है गुरुजी? और ये पेट पिचकाना है तुम्हें। गुरुजी आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आपकी उम्र कितनी है? आपको कितनी लगी? अब 40 के आसपास। मैं 55 साल का हूँ। तो भी आप इतने हेल्दी, इसका राज क्या है गुरुजी? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य? सवाल है कि ब्रह्मचर्य में शादी करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है
वो ब्रह्मचारी रहता है। जो सांसारिक जीवन का व्रत लेता है उसे सांसारिक क्रिया करनी चाहिए। हमारी बीवी हमें कोऑपरेट नहीं करती है स्वामी जी। घर में फूल नहीं है तो पूजा करना बंद कर दोगे क्या? पूजा पाठ बिना फूल के भी कर सकते हैं। नहीं तो बगल वाले के घर से फूल तोड़ लो फिर पूजा कर लो। हाँ तो हम लोग रोज रोज पूजा पाठ करते हैं, यही सृष्टि का नियम है। हम कोशिश करेंगे गुरुजी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा। कुछ समझे? अगर हम अपने घर में फूल नहीं तोड़ सकते तो हम दूसरे के घर से तोड़ सकते हैं, ऐसा क्यों बोला उसने? ताकि रोज हम लोग पूजा कर लें। इसीलिए तो यहाँ आए हैं। पद्मा। मैडम पानी। थैंक्स, पद्मा लेकर आ रही है, ये लीजिए। सुनिए ना, मुझे दे दीजिए वो बॉटल। लो तुम ही रख लो। हेलो, लगता है धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगी। हाँ, देख। सॉरी। आप ठीक है? ठीक है। आपके पैर में तो नहीं लगी ना? अरे ये क्या है, वो नीचे गिरती, ये लोग नीचे गिरते, वो ऊपर उठती, ये लोग ऊपर उठते। अरे उसके पीए को पटा लो, वो खुद ही पड़ जाएगी। सर ऐसा ही वो लोग सोच रहे थे, आप फोन उठाइए ना सर। देखो भाई, अगर मुझे लॉस हुआ ना तो मैं ऐसे किसी का फोन नहीं उठाता हूँ, और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो सामने वाला चाहे जैसा हो मैं तुरंत फोन उठा के बात करता हूँ, यही मेरी पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है सर, यहाँ भी वैसे ही लोग हैं। ठीक है, आगे सुनाओ, मैं डिसाइड करूंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो सिर्फ आपके ही बैनर पे, भोलेनाथ की जय हो। तुम्हारे बनाने से काम नहीं चलेगा, वैसे तो मेरे लग रहे ना। हाँ सर, आगे बोलो। अब वैसा ही हुआ जैसा कि आपने सोचा था, ये ट्रिपल आर पीए को अपने वश में करते हैं। अरे भाई इधर आओ। क्या भाई, मैडम का प्रोग्राम फिक्स करना है क्या? अरे ये तो समझ गया, आप लोगों ने मुझे बुलाया तभी मैं समझ गया था। क्या बात है, और इधर के बहुत बड़े होटल में ग्रैंड पार्टी का आयोजन करेंगे, 50 लाख का एग्जीबिशन है और एकदम धमाल डांस का भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत अच्छा सर। अच्छा, बड़े बड़े लोग आएंगे, आपकी मैडम भी आएंगी ना? कुछ कह नहीं सकता हूँ सर, दुबई में शो है उनका। अरे हर चीज की कीमत होती है और हम हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। तुम हमें बस ये बताओ कि वो कितना चार्ज करती है। मैडम का चार्ज आप लोग पे नहीं कर पाएंगे। अरे मैडम को कितना पैसा चाहिए बोलो ना, हम लोग देने को तैयार हैं। अगर आप लोग कोशिश करें तो मैं ट्राई करता हूँ। करो ना, लगता है काम हो जाएगा। पद्मा टॉवल। राजू भाई, मैडम को 20 लाख रुपए देने होंगे इंक्लूडिंग जीएसटी। अरे राजू ने भी इतना ही अमाउंट दिया था। ओके, तुमने हमें खुश कर दिया तो तुम्हारे लिए 5 लाख और। हेलो एवरीबॉडी, आर यू रेडी टू हैव सम फन? यस। हाउ फील अबाउट नाचो? करो मस्त भरी पार्टी, जहाँ मिले मौका वहाँ यार करो पार्टी। पार्टी
पार्टी पार्टी करो मस्त भरी पार्टी जहाँ मेरे होगा वहाँ यार करो पार्टी विमान मेरे घर मेरे मजा इस पल तुम गुजर जाए मेरी घड़ी हाथ नहीं आती पार कोई ढंग तुम बजा ले इश्क ढंग तुम खुशी की उम्र तो यहाँ होती बड़ी छोटी crazy 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 स्वीटी स्वीटी हाँ तू है प्योर ब्यूटी हम अंकल सभी लूट गए हैं स्माइल तेरी नॉटी स्वीटी 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 तू लगती बड़ी क्यूटी तू जाने क्या मजा तो है पार्टी अफ्टर 50 रे कुछ कुछ हाज में होता देखे जो कोई पोती मेरा दिल धड़के धक धक ये जब मैं मारू 90 अरे घुट घुट में जीवन चले 40 हो या 80 अरे भर के हम ग्लास में पी जाते बाकी 40 बूम बूम बजा बजा बूम बूम बजा बोतल देख ले पास आके तू जरा सा सैंपल बूम बूम बजा बजा बूम बूम बजा बोतल देख ले पास आके तू जरा सा सैंपल स्वीटी अरे यार क्या फिगर है इसका ए राजू भाई ये सिर्फ गाना गाएगी या आगे भी कुछ करेगी अरे नहीं ये सब वो नहीं मानेगी अरे पागल ये जो सेलिब्रिटी स्टार लोग होते हैं ना इनकी साइड इनकम भी होती है वरना गाड़ी बंगला कैसे अफोर्ड करेंगे तुम बस पैसा फेंको और तमाशा देखो इतना सुनने के बाद हमारे राजू रेड्डी और राव का इंजन स्टार्ट हो जाता है इसलिए एक दूसरे को बिना बताए इसे बताऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा हेलो गिरी राजू भाई बताइए ना क्या काम है देखो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे स्वीटी के कारण मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी स्वीट हो जाए इसीलिए तो मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया देखो स्वीटी सिर्फ मेरे लिए है किसी और के लिए नहीं आप क्या बात कर रहे हैं देखो तुम बात को समझो स्वीटी के साथ स्वीट में स्वीट दारू पीने के लिए एक घंटे का इंतजाम करो अरे बाप रे मैडम ये सब काम इंडिया के बाहर ही करती हैं तो क्या मैं दुबई में कमरा बुक करूं अरे मेरा वो मतलब नहीं था देख भाई गिरी पैसे के अलावा इस दुनिया में कुछ मायने नहीं रखता मर्द औरत के पीछे भागते हैं और औरतें भागती हैं पैसों के पीछे मेरी बात मानो राजू भाई मैडम बिल्कुल नहीं मानेंगी देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरा ये काम कर सकते हो तुम बस कोशिश करो हो जाएगा बस सुटी सुटी तो मानी नहीं होगी मान गई सर अरे इतनी जल्दी मान गई आप तो पीए के टैलेंट के बारे में जानते ही है ना सर वो अपने कमीशन के चक्कर में सेलिब्रिटीज को कंफ्यूज करके मना ही लेते हैं सही का सेलिब्रिटीज का कंट्रोल पीए के हाथ में ही होता है राजू भाई मैं तो खुद हैरान हूँ आपके बदन में कोई लकी तिल है क्या मैडम तुरंत मान गई अरे बेवकूफ मेरे बदन में कोई तिल विल नहीं है पैसा है पैसा आप सब संभाल के हैंडल करना प्लीज तुम सिर्फ स्वीटे से बात करो बाकी सब मैं देख लूंगा सर मैडम 11 से 12 तक आपके साथ रहेंगी इनफ काफी है इतना सर ये बात मैडम और आपके बीच की है किसी को पता ना चले अरे भाई तुम चिंता क्यों करते हो किसी को पता नहीं चलेगा पैसा एडवांस में मिल जाएगा ओके सर थैंक यू राजू भाई हेलो रेड्डी भाई
अरे कुछ भी करके मैडम को पटाओ ना भाई। वो तो ठीक है, लेकिन पैसा? अब 5 लाख। पैसा मिल जाएगा तो मैं भी मना लूंगा ना। अब पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, बस तुम एक बार बोलो। इसको सेट करूं क्या मैं? अरे रेड्डी भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियसली ले लिया। सच में बात करूं कि आपके लिए? अरे छोड़ो भाई, तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगली बार ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। स्वीटी का किसी तरह चक्कर चला दो ना बापू, प्लीज। लेकिन पैसा? हाँ भाई, गोल्ड बिस्किट 50 तोला मैडम को गिफ्ट में देता हूँ। ये बात आपके दोस्तों को पता नहीं चली? ओके, 12 से 1 के बीच में आप आ जाना। अभी चलूं क्या? नहीं, आप थक जाओगे सर। एग्जैक्टली 12 बजे आना। अरे अभी बहुत टाइम बाकी है, तब तक दवा लेकर रेडी हो जाओ। उतावले हो रहे हो। ए भाऊ, देखो भाऊ, मेरे अमाउंट में से चाहे कितना भी इंटरेस्ट कम हो जाए, लेकिन स्वीटी का इंटरेस्ट जरा भी कम नहीं होना चाहिए, जरा भी नहीं। आपने मुझे भाव कहा? अरे भाव क्या, कोई भी रिश्ता बना लूंगा, बस काम हो जाना चाहिए। मैडम को कन्विंस करना बहुत पेनफुल है सर। अरे बिना पेन के कुछ नहीं मिलता रही, मेरे को पूरा भरोसा है तुम पे। तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी भेज दिए, चेक कर लो ना। आप तो बहुत फास्ट हो सर, लेकिन याद रहे किसी को पता ना चले। अरे भाव अगर बोलो तो अपने डोले बंद कर लूं क्या? तो समझ लीजिए 1 से 2 के बीच। कम इन। चलती हूँ मैडम। हैप्पी बर्थडे राजू जी। पार्टी तो बहुत बढ़िया दी थी आपने। थैंक यू। 305 मेरा रूम नंबर, आप जब भी चाहे वहाँ आ सकते हैं। अरे चीची, कैसी बात कर रही हो, चलो जाओ यहाँ से। दरवाजा खुला रहेगा, आ गया आपकी मर्जी। राजू जी आ जाइए। आ रहा हूँ। ये खास आपके लिए कोरिया से मंगवाया है। हैव इट। एक 90 पीने से मैं 90 के दशक में पहुँच जाता हूँ। आपका शुक्रिया। वो किस लिए? जब भी मेरे बीवी के साथ कोई वाद विवाद होता है, तब मैं आपके गाने देखता हूँ और रिलैक्स हो जाता हूँ। वैसे अभी मैं बहुत रिलैक्स हूँ, आप जो सामने बैठी है। एक बात पूछू, शादी आप कब करने वाली है? मैंने सोचा है कि जब जिंदगी में थोड़ा सेटल हो जाऊंगी और पैसे कमा लूंगी तब शादी करूंगी। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है स्वीटी जी, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उसके साथ शादी कर लीजिए, जैसे कितनी हीरोइन करती हैं यहाँ। सबके साथ ऐसा नहीं होता। कैसी बात करती है, आपके जैसी लड़की को तो मेरे जैसे कोई भी अमीर मिल जाएगा। वैसे आप चाहे तो मैं तैयार हूँ, बस आपको तैयार होने की जरूरत है, फिर हम साथ में योगा करेंगे, फिर हम फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे और मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। क्या ख्याल है राजू जी? आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। घर में एक बीवी है, उसके बाद भी बाहर की औरतों को ताकत लग रही है। कसम खाओ आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। तुम शेर की तरह क्या घूर रहे हो, बताओ तुमने जो किया वो गलत है या नहीं? घर में सेवा घर वाली से करवाते हो और बाहर वाली के साथ घूमते फिरते हो, चप्पल से मारना चाहिए तुम्हें तो। बीवी को नौकरानी समझते हो जो सिर्फ घर के काम करेगी? स्वीटी जी, इस टीवी को बंद कर दीजिए ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर इस सिचुएशन में तो सही लग रहा है ना? आप बैठिए, मैं जरा फ्रेश होके। प्लीज टीवी बंद कर दीजिए। बंद कर लीजिए। एक औरत के साथ। अब इस वक्त कौन है? राजू भाई, आपका टाइम खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है? अरे हम लोग अभी तक सिर्फ बात ही कर रहे थे, कुछ समय और दे दो भाई प्लीज। अरे बाप रे, बहुत ही कम समय बचा है, अब सब फटाफट करना होगा। अरे लाइट कैसे चली गई? मुझे अंधेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको है क्या? जब तुम साथ में हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आजा। तो देखा आपने राजू भाई की फर्स्ट नाइट कैसी हुई? और रेड्डी का क्या हुआ? खुद ही देख लीजिए। वैसे ही उस रात राजू के जैसे ही रेड्डी और राव की स्वीट मेमोरी भी वैसी की वैसी ही रह गई। रेड्डी जी, आप सही टाइम पे आए हैं। प्राइवेट फिल्मों में ऐसा ही करते हैं क्या? आप तीनों ने
आपने देख लिया ना, ये तीनों गांधी जी के बंदर की तरह हैं, लेकिन इन्होंने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। ये तीनों एक ही लड़की के साथ? यस सर। और ये तीनों एक दूसरे से छुपाए बैठे? सुनो सर, इस फिल्म में हम बड़े स्टार्स को लेंगे। सर सर सर, नहीं सर, हम नए लोगों को चांस देंगे। कैसी बात कर रहे हो? अगर नए लोगों के साथ लेके फिल्म बनाएंगे तो रिलीज करना, पब्लिसिटी करना, ये सब मुश्किल होगा। लेकिन स्टार को लेके फिल्म बनाएंगे तो लोग हमारे पीछे दौड़े दौड़े आएंगे। और डेट्स के लिए हमें उनके पीछे भागना होगा। फायदे के लिए तो भागना पड़ेगा ना, तो हम भगवान के मंदिर में प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? ताकि हमारा भला हो। जैसे हमारी धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है ना, वैसे ही हीरो के पीछे हमें घूमना पड़ेगा डेट पाने के लिए। इस बात से तुमने क्या सीखा? धरती के घूमने से दिन रात होते, वैसे ही हमारा फायदा होगा। सर सर, आपका डायलॉग बहुत अच्छा है, इसे मैं स्टोरी में लिखूंगा। हाँ लिखो ना, लेकिन मेरा नाम आना चाहिए। बिल्कुल आएगा सर। वैसे कहानी में उन लोगों ने अपनी बीवियों के साथ बेवफाई की है ना, तो उसको उसी रूप में क्यों नहीं लिखते? वही तो सस्पेंस है सर। अरे क्या सस्पेंस, खुल के बताओ ना मुझे। सर आप ऐसे बीच बीच में कहानी रोकेंगे तो? अरे यार, मैं तो क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा था। बताता हूँ सर, एक महीने के बाद जब वो लोग उसी 420 नंबर वाले फ्लैट में पार्टी कर रहे थे तब। हेलो राजू भाई। हाँ गिरी, क्या बात है? मैडम कैसी है? ठीक नहीं है। क्या हुआ? उस दिन आपने मास्क पहना था। देखो मुझे कुछ पहनने की और गोली खाने की आदत नहीं है। क्या? किसकी? ऐसे बोलो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। स्वीटी मैडम की। स्वीटी मैडम कहा है? मतलब बोले तो मैडम का पेट दर्द हो रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैडम ने ध्यान नहीं दिया क्या? अरे ध्यान तो आपको देना चाहिए था ना। अब देखो मुझे पहनकर अच्छा नहीं लगता। अरे माजा कर्मा। अरे बाप रे, अभी से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। वैसे इन लोगों ने मास्क पहना होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे जब पीए ने इन लोगों से इतने पैसे लिए थे तो मास्क तो उसे फ्री में दे देना चाहिए था। वो ऐसा क्यों करेगा सर? वैसे भी टाइम बम को फटने के लिए अभी बहुत टाइम है सर, वक्त आने पर ही वो फटेगा। वैसे स्वीटी को उनकी पत्नियों को जाके बता देना चाहिए। सर आप देखिए ना। ये लो मिठाई का। ए, सुनो, इस फ्लैट को स्वीटी ने लिया है, ये बात तुम्हें एसएमएस करके हमें बतानी चाहिए थी ना। मुझे पता था तुम लगा के मुझसे खुद पूछोगे, इसलिए नहीं बताया। कैसा आदमी रे तू? तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम लोग स्वीटी को देखने के लिए क्या क्या करते हो? रोज तुम लोग योगा क्लास जाते हो उसे लाइन मारने के लिए। लेकिन अब तुम लोगों की परेशानी खत्म, वो तो इधर ही आ गई तुम लोगों के पास। अब रोज डिस्को डांस होगा। हाँ पता है डिस्को डांस में क्या क्या होता है, मेरे को मत सीखा, समझा ना। लेकिन उस फ्लैट का क्या हुआ? अरे उस फ्लैट में वास्तु का कुछ प्रॉब्लम है, रिनोवेशन के बाद खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, 10-20 दिन के बाद तो जाएंगे ना। अरे उन्होंने तो 3 महीने का टाइम दिया। 3 महीने? मैडम आप सिंगर स्वीटी है ना, एक सेल्फी ले सकते हैं आपके साथ? नमस्ते। वाह वाह वाह, कितनी पॉपुलर है ये। इतने दिनों से खाली पड़ा हुआ था मेरा फ्लैट है, अब तो जान आ गई मेरे फ्लैट में। तुम लोगों के जाने के बाद अपने फ्लैट को सैनिटाइज करके मैं स्वीटी को दूंगा और उसे मैं अपना फिक्स किरायेदार बना के ही दम लूंगा। चलो भाई मैं चलता हूँ। अरे यार लगता है हमारा बुरा वक्त आने वाला है। मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ मैडम। नमस्ते, आइए मेरे साथ। प्लीज कम। राजू जी, राव जी, रेड्डी जी, ये हमारी सोसाइटी की बड़ी हस्ती है। नाइस टू मीट यू ऑल। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप इन्हें बता सकती हैं। ये सब चुटकियों में हल कर देंगे। हाँ जरूर, आगे से मुझे कोई परेशानी होगी तो इन्हें ही कॉल करूंगी। आओ बेटी, मैं तुम्हारा फ्लैट दिखाता हूँ। ओके, सी यू लेटर। क्या है ये? प्रेगनेंसी रिपोर्ट। ये कहीं भी रहे, इससे हमें क्या मतलब? हाँ इसमें आपन का क्या लेना देना है? अरे उनका मामला, हमें क्या पड़ी? देख लिया ना। चलो भाई चलो। इन तीनों ने सारी टेंशन को अंदर दबा के नॉर्मल बिहेव करने का नाटक कर रहे हैं। अरे गुरुजी। हाँ बोलो शिष्य। आपने जो फूल तोड़ने वाली बात की थी ना, हमने वैसा ही किया, लेकिन उस फूल के कांटे अभी चुभने लगे हैं। मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप ही कुछ उपाय बताइए। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं सब समझाता हूँ। हाँ गुरुजी, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा?
सुनो, शुरू में तो ऐसी तकलीफ होती है, अगर तकलीफ बढ़ जाए तो पेन किलर खा लेना, दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। स्वीटी से मुझे अभी मिलना होगा। ये इधर कैसे? अब ये यहाँ क्या कर रहा है? ए राव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ऐसे चल रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने हाथ को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा भी इंटरेस्ट कुछ कम नहीं है। ये बॉल लेके तुम क्या कर रहे हो? ये उंगलियों की एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा। अरे रेड्डी भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना कि गैस थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसलिए उसे निकालने के लिए एक्सरसाइज। अच्छा, कर रहा हूँ। जरा संभाल कर करना, वरना गैस कहीं और से निकलेगा। तुम भी करो। ये दोनों एक साथ यहाँ पर कैसे आ गए? अरे इस राजू को भी क्या सूझी, फिर से पेट बढ़ाने के लिए जा रहा है। पेट बढ़ाने के लिए नहीं सर, पेट निकालने के लिए जा रहा है। अरे आप यहाँ कैसे, इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो? प्रेगनेंसी इज नॉट जस्ट अ फिजिकल थिंग टू मी, इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। मुझे तो ऑलरेडी पाप लग चुका है। संतुष्टि के चक्कर में मैंने आपके पीए को 5 लाख दिया, संतुष्ट तो हो गया, लेकिन अब परेशान हूँ। देखो तुम और पैसे ले लो और इस परेशानी से मुझे बचा लो। लगता है कोई आया है, आप अंदर जाकर कहीं छुप जाइए। हाय हाय, आओ आओ। हे भगवान, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सॉरी। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? जो पेट में पल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मेरी पहचान में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करता है, डिस्काउंट भी दे देगा। आगे की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन बच्चे के अबॉर्शन के लिए जिद बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। तुम्हारा पेट है, तुम्हारी इच्छा। लेकिन अगर ये खबर बाहर आ गई तो मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। ये लो, रख लो। ये किस लिए? प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट का ओरिजिनल गोल्ड है। बस वो खबर बाहर मत आने देना, वरना मेरी गोल्ड जैसी इज्जत खत्म हो जाएगी। प्लीज तुम ये रख लो और ये खबर राजू और राव को बिल्कुल पता न चले, प्लीज। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ पर ये बात मैं किसी को बताऊं भी नहीं? हाँ बिल्कुल सही समझी, प्लीज। लगता है कोई है, अब अंदर जाकर कहीं छुप जाइए प्लीज। हाय हाय। इसमें पूरे 10 लाख रुपए, इनको तुम रख लो, बिना गारंटी के तुमको दे रहा हूँ, जब मन करे तब रिटर्न कर दो। वो क्यों? अरे वो क्यों मतलब, मैं नहीं चाहता कि इस बात की वजह से मेरे घर में कोई कांड हो। मतलब? अरे मतलब तुम्हारी भी पब्लिक इमेज खराब नहीं होनी चाहिए ना। वो अबॉर्शन के बारे अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, ये फाइनल है। अच्छा मेरे पास ना एक और ऑप्शन है। वो क्या है? किसी हीरो के साथ शादी कर लो और उसके सर पे डाल दो, हो गया। जी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है कोई आया है, आप अंदर जाकर कहीं छुप जाइए। हेलो मैडम। कम अरे इडियट, जब मैंने तुम दोनों को यहाँ देखा ना तभी समझ गया था। अरे ऐसा नहीं यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपाई कैसे? अरे भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तीनों को एक ही बिस्तर शेयर करना था ना, ऐसा गुरुजी ने बताया था। क्या? वो सब तो ठीक है पर तीनों के लिए एक ही बिस्तर, इसमें हमारी क्या गलती है? वैसे उस दिन तुम लोग मुझसे पहले आए थे या बाद में आए थे? मैं आया था 1 से 2 के बीच में, और 12 से 1 के बीच में मैं था। अरे ये सब जाने दो, क्योंकि तुम दोनों से पहले तो मैं आया था, ये बात तो मेरे लिए बहुत है। मैडम डॉक्टर ने आपको 1 हफ्ते में चेक करने के लिए कहा है, कुछ टैबलेट्स भी देंगे। बच्चे के बाप से कहना कल से कोर्स शुरू हो रहा है। ओके।
लोगों ने पैसों के साथ साथ इज्जत भी कमाई है। तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं? सोसाइटी में हमारी जितनी इज्जत ना किसी को भी नहीं मिलती। यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हमारी बात सुनते हैं, तो ऐसा होने पर हमारी बीवियाँ भी हमारी बात कैसे सुनेंगी? बताओ। ये सब तो जाने दो, ये बताओ कि स्वीटी हमसे प्रेग्नेंट हुई इसका क्या सबूत है? तुम्हारे मैडम ने ये सब कितनों के साथ किया होगा? उनसे कहो कि हॉस्पिटल में जाकर अबॉर्शन करवा ले। अरे हम लोग तो पहले से ही रिटायर्ड है, तो एक ही बार में वो प्रेग्नेंट हो गई क्या? तुम लोग हमें पागल समझते हो? ये गलत बात है। मजे करने के बाद तुम लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम सिर्फ ये बताओ कि वो हमारे फ्लैट में क्यों आई है? इसमें तुम तीनों ने भाग लिया था, विनर का पता लगाना तो जरूरी है ना। विनर मतलब? तीनों में से बच्चे का बाप। तुम ये कैसे पता करोगे? उसके लिए 6 महीने का वेट करना पड़ेगा हमें। बच्चे का चेहरा जिससे भी मैच होगा वही उसका फादर होगा। फादर को बच्चा देकर मैडम यहाँ से चली जाएंगी। अगर बच्चे का चेहरा हमसे ना मिलके किसी और से मिला तो फिर क्या होगा? सही सवाल पूछा है राव सर, इसका भी हल है मेरे पास। उसके बाद DNA टेस्ट कराने का सोचा है मैडम ने। मैडम की डिलीवरी होने तक वो यहीं पर रुकेंगी। मैडम की जरूरत की चीजें जैसे ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिन, वो सारी चीजें आप तीनों को अरेंज करनी होगी। रोज एक आदमी को मैडम के साथ मैडम के फ्लैट में सोना होगा। लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैडम के पेरेंट्स भी नहीं है, ऊपर से नींद में चलने की भी आदत है, वो नींद में कहीं चली ना जाए, इसलिए किसी न किसी को तो सोना ही होगा। अरे उनको मरने दो, हमें क्या है? अरे यार बात समझ, स्वीटी को नींद में चलने की बीमारी है, कहीं नींद में चलते चलते हमारी बीवी के पास न पहुंच जाए, फिर तो हमारी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। तो आप तीनों मिलकर आपस में डिसाइड कर लो, मैं तो चला, गुड नाइट। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम दोनों सोच समझ के फैसला करो। है? क्या बकवास कर रहे हो, क्यों संबंध नहीं है? मेरी तो नसबंदी हो चुकी है बापू, मेरा तो बच्चा पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? अरे स्वीटी के बच्चे की सर की कसम खा के कहता हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है बापू। बाय बाय। इसने तो फंसा दिया, ये तो पहले से ही ऐसा है। आज तो आपने उपमा जबरदस्त बनाया है, मजा आ गया। थैंक यू भाई साहब। तुमसे रेड्डी की शादी हो गई ना, बहुत किस्मत वाला है वो। बेटी कैसी है, फोन करती है वो? हाँ बहुत अच्छी है वो, जब भी उसे वक्त मिलता है वीडियो कॉल कर लेती है। अब भाभी जी गलत मत समझिएगा, घर में एक ही बेटी है, अगर एक बेटा हो जाएगा तो आपकी बेटी को भी बहुत अच्छा लगेगा। शादी के बाद हम बिजी ना हो जाएं, इसलिए हमने सोचा कि एक ही बच्चा करते हैं। फिर भी मेरी पूजा पाठ की वजह से हमारा बिजनेस अगर अच्छा चल गया तो हम दूसरा बच्चा करेंगे ऐसा सोचा, लेकिन उससे पहले ही ऑपरेशन हो गया। आप उससे जोर जबरदस्ती ना करें, लगता है इसीलिए उसने ऑपरेशन करवा लिया। हाँ क्या कह रहे हैं, वो तो इंजेक्शन लेने से भी डरते हैं, ऑपरेशन किस बात का? मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाकर मुझसे कहने लगे, तो मैंने अपना ऑपरेशन करवाया। अरे बस बस बहुत खा लिया मैंने। तुम दोनों सुबह सुबह इधर? अरे कुछ काम धंधा तो है नहीं, इसलिए तुम्हारे नाम से पूजा की और प्रसाद लेके आ गया। आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बात करो। हेलो रेड्डी जी, आज आपकी नाइट शिफ्ट है। क्या बकवास है, मेरा ऑपरेशन हो चुका है, ये बात उनको बता दो। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, भाभी जी ने सब बताया हमें। सोना दिलाकर प्यार जताएंगे तभी तो सोने जैसा बच्चा पैदा होगा, उसके लिए नाइट ड्यूटी तो आप ही को करनी पड़ेगी। कितने बजे आना है? शार्प 8 PM, पहुंचते ही मैडम को गरम दूध पिला देना। हाँ। बेशरम कही के शर्म नहीं आती ऑर्डर करने में। ओ तुम कहाँ चले? वो राव के घर सोने के लिए। और ये ब्रेड किस लिए? वो राव बीमार है ना, इसलिए ब्रेड का पैकेट लेके जा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये लीजिए, ये विभूति उनके माथे पर लगा दीजिएगा और खिला अच्छा। भी दीजिएगा अच्छा। कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा ठीक है। हे भगवान, अच्छा कितनी तकलीफ में होंगे वो। आई लव यू। ओहो क्या कर रहे हैं आप गुरुदेव? हाय। ये लो ब्रेड। हाँ देखो किचन है। किचन किस लिए? अरे खाना वहीं पकाते हैं। अरे मैंने तो खाना खा लिया। तो मेरे लिए बना दो ना। तुम्हारे लिए? मैं खाना नहीं बनाता। यूट्यूब पे देख के बना दो ना। ऑनलाइन ऑर्डर कर दो ना। पर डॉक्टर ने जंक फूड खाने से मना किया है।
अब उनमें हुनर भी अब उनमें स्टाइल भी अब उनके जैसा कोई दुनिया भर में नहीं अब उनमें हुनर भी अब उनमें स्टाइल भी अब उनके जैसा कोई दुनिया भर में नहीं ऐसा पकाओ ऐसा खिलाओ खाना जिसमें तो बनाऊं दो मिनट और ओके कैरी ऑन एक बार खाएगा तू बार बार मांगेगा तू ना भूलेगा तू मुझको एक बार जरा चख तू आई आई ओ रामा ये है मेरा कर्मा तू संग मेरे ना करना अरे ओ बेबी ड्रामा आई आई ओ रामा ये है मेरा कर्मा तू संग मेरे ना करना अरे ओ बेबी ड्रामा अरे ये रेड्डी भाई सब उस फ्लैट से क्यों बाहर आ रहे हैं रेड्डी रेड्डी फंस गया ना ये हुई ना बात थैंक यू सर अब थोड़ा मजा आया आगे बताओ सर उसके पहले क्या एक छोटा सा कॉफी ब्रेक लेंगे वेट कर रही थी सॉरी यार लेट हो गया क्या बना रहे हो वो ब्रेड ऑमलेट आज मुझे फ्राइड राइस खाना है अरे वाह ठीक है जल्दी बनाना हाँ हाय हाय मैं सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ ओके ओके प्लीज कम इन आपका घर बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच लगता है ये आवाज कहीं सुनी है किसी भी पार्टी में मजा नहीं आता ओह थैंक यू ये इधर काई को आ गई इफ यू डोंट माइंड एक सोडा बॉटल मिलेगी क्या सोडा वन मिनट राव जी अरे बाप रे राव ये राव कौन है ना राव जी आपका पूरा नाम क्या है मस्तान राव नाम है मेरा कुक है अच्छा या मस्तान एक सोडा बॉटल लेकर आओगे क्या मैं अभी कांदा काट रहा हूँ हाथ खाली नहीं है ना ओके आप बैठिए मैं लेकर आती हूँ कौन है ये ठीक से दिख नहीं रहा थैंक यू अच्छा मैं बाद में आती हूँ सी यू लेटर ओके अरे देवा एक तो मैं पहले से ही इधर परेशान हूँ ऊपर से ये भी आ गई इसको बोलते हैं खराब नसीब छह वो चाहिए अच्छा बना है धन्यवाद वो भी बस बस थैंक यू अब मैं जाकर सोती हूँ बचा हुआ तुम खा लेना अरे सकाळ झाली करना कोई फिकर मेरे होते हुए अब तू आई आई ओ रामा ये है मेरा कर्मा तू संग मेरे ना करना अरे ओ बेबी ड्रामा आई आई ओ रामा ये है मेरा कर्मा तू संग मेरे ना करना अरे ओ बेबी ड्रामा
रुकिए, ये ऑनलाइन पर आपने बादाम, काजू, किशमिश ये सब किसके लिए ऑर्डर किया था बताइए? वो तो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अच्छा, तो जरा यहाँ देखिए, ये स्लीवलेस इनरवेयर ये किसके लिए ऑर्डर किया था बोलिए? वो तो रेड्डी ने कहा था तब बुक किया। रेड्डी भाई साहब ने? हाँ। पर रेड्डी भाई साहब स्वीटी के लिए नाइटी क्यों मंगवाएंगे? वो क्या है ना कि 90% डिस्काउंट है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मैं अभी उसी से बात करके देखती हूँ। ये क्या रेड्डी ने ऑर्डर नहीं किया था? नहीं सर, राव ने ऑर्डर किया था। राव ने? हाँ। अब रेड्डी के लिए नहीं, राव के लिए। ये क्या बकवास है, अभी तो आपने रेड्डी का नाम लिया। गलती से बोल दिया। राव ने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया है, फिर वो अपनी बीवी के लिए ये सब क्यों खरीदेगा? जरा रुक जाइए, मैं सोनी से ही बात कर लेती हूँ। अरे अरे सरोजा प्लीज, वो ये सब खरीद कर सोनी को वश में करना चाहता है, समझो ना सरोजा। अरे यार कैसे बिगर के बच जाते हैं ये लोग। इन तीनों को रात में खाना नहीं मिलता और दिन में चैन नहीं मिलता है, और इसीलिए इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब मेरी समझ में आ गया, रातों रात ये लोग स्वीटी के पास जाकर उसके कई टुकड़े कर डालेंगे, फिर उसे सूटकेस में भर के पार्सल बना के कहीं उसे गायब कर देंगे। लगता है आपको उन पर शक हो रहा है। जिंदगी में ऐसा ही होता है, आप तो इसे क्राइम स्टोरी बना देंगे। लेकिन सर ये क्राइम थ्रिलर फिल्म नहीं है, फैमिली एंटरटेनमेंट है। ठीक है ठीक है, ये तो कॉमेडी कहानी है ना, इसीलिए इसमें मैंने हॉरर का भी तड़का लगाया है। स्वीटी को भूत प्रेतों से डर लगता है, भूत प्रेतों के नाम पर उसको डरा सकते हैं। और तभी एक रात राजू अकेले घर में सो रहा था, राजू भूत नहीं है। अरे मैं हूँ यार। अरे यार तूने तो डरा दिया। अरे स्वीटी कहाँ है? स्वीटी नहीं है। अरे नहीं है। अरे कहाँ गई वो? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बताऊँ, मैडम को नींद में चलने की आदत है। अरे नींद में कहीं वो हमारी बैंड न बजा दे। चल चल चलो भाई। अब कहाँ गई वो? अब ये नई मुसीबत, अब हर फ्लैट में उसे ढूंढेगी क्या? तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ओके देख। जरा संभल कर चलिए। अरे बाप रे। अरे कौन हो तुम? रुको रुको, कहा ना रुको, नहीं तो गोली चला दूंगी। लगता है रेड्डी फंस गया। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये अभी पता चलेगा तुम्हें। रेड्डी ने तो कमाल कर दिया। अरे मेरी बाइकों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आपने भी देख लिया क्या? इसका मतलब आपने भी देखा क्या? मैं तो रोज देखता हूँ। मुझे कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने? अरे इंसानों की कंप्लेंट की जाती है, भूतों की थोड़ी ना। अरे बार बार मेरी वाइफ के ऊपर क्या है? मैडम आपको पता नहीं, फ्लैट नंबर 420 में दो लोगों ने आत्महत्या की थी। कभी कभी उनकी आत्मा भटकती है। हाँ मैडम ये बिल्कुल सच कह रहे हैं,
यहाँ उनकी आत्मा भटकती है। लेकिन मैंने तो यहाँ पहली बार देखा है। वैसे इधर ना दो भूत है, एक है औरत और एक है आदमी, दोनों में लफड़ा चल रहा है और दोनों की आत्मा को शांति नहीं मिली इसके लिए भटक रहे। वैसे तो वो आत्माएं हैं, लेकिन वो नाजायज संबंध बर्दाश्त नहीं करते और वो रियल लवर्स को भी परेशान नहीं करते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए। अरे जब देखो मेरी पत्नी के ऊपर, तुम भी क्या कर रही हो? चलो राजू भाई साहब, आप मुझे फ्लैट तक पहुंचा देंगे क्या? अब ठीक है, चलिए तुम जाओ। लेकिन स्वीटी कहाँ है? राजू जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये कुछ अजीब बर्ताव कर रही है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये कूद जाती। अब शायद आप नहीं जानते, इन्हें नींद में चलने की आदत है। हा? अच्छा, यहाँ कैसे आ गई? वो क्या है कि तुम नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गई। नींद में चलने की आदत है तो साथ में किसी को सुला लिया करो। वैसे इन तीनों में से कोई ना कोई मेरे पास आकर सो ही जाता है। अरे भला ये लोग तुम्हारे साथ क्यों सोएंगे? ये नींद में सपना देखती है और फिर चलती है और हमको देखना चालू करती है। ओ, ऐसा है क्या? वैसे सर, हमारी बाइडियाँ परेशान होंगी, हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। सॉरी प्रेसिडेंट जी, जरा मेरी बात सुनिए। बोलो। स्वीटी को नींद में चलने की बीमारी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर हमारी बीवियों को। पता चल गया तो क्या होगा? तो हम लोगों को रोककर तुम्हें अपने पास बुला लेगी सोने के लिए। अरे ये तो परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, हमारी भी क्या तकदीर है बापू। अरे बाबा, इसका हल निकलो रे कोई। जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मेरा बीपी लो हो जाता है। मेरा तो शुगर ही डाउन है भाई, मेरा दिल भी कांपता रहता है। गुरुजी से पूछते हैं। हाँ वही सही आदमी है, वही सॉल्व करेगा। फोन लगा, फोन लगा। हाँ बोलो बच्चे। गुरुजी, हमें इस मुसीबत से बस आप ही बचा सकते हैं। वो हमें रोज रात को परेशान करती है। बहुत गलत बात, इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें जंग तो लड़नी है परंतु रोज नहीं। बिल्कुल सही गुरुजी, बीवियों से तो लड़ रहे हैं, ऊपर से ये परेशानी। तुम लोग जिन परिस्थितियों में इन परेशानियों को झेल रहे हो उसका हल निकालना चाहिए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रोज एक एक लोग जाके उसे समझाओ और प्यार से उससे पीछा छुड़वा लो। कहीं गुरुजी कोरोना की वजह से निकल लिए तो? ये जो लड़की है वो बालिग है, फेमस सिंगर है, इसके काफी फैंस हैं, इसलिए तुम्हारी बीवी अभी तालमेल मिला के उससे दोस्ती कर लेगी। उनके अंदर नफरत फैला के उसका बैंड बजाना होगा, तभी वो लड़की बोलेगी कि इस बच्चे का बाप कौन है, किसका रिश्ता है उससे, कौन है उसका असली बाप। फिर वो तुम्हें बदनाम कर सकती है। मैंने तभी तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हमें माफ कर दीजिए। गुरुजी की बात को मानते हुए हमें अपने बीवियों की नजरों में स्वीटी को खलनाई का बनाना है। बिल्कुल सही। सरोजा, सुना है कि सीनू के फ्लैट में कोई रहने के लिए आया है, तुम उसे जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ स्वीटी। कितनी खूबसूरत है वो, इतने गौर से देखा है उसे। उसे आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए, उसके घर में काफी लोग आते हैं और वॉचमैन बता रहा था कि वो रोज रात को दारू पीती है। अच्छा, अभी तुम जलना बंद करो, उसकी खूबसूरती के सामने सारी औरतें फीकी लगती हैं, फीकी। इतनी खूबसूरत है वो? अरे जब वो रास्ते से गुजरती है ना, उसे सब घूरते रहते हैं, इतनी खूबसूरत है। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम बच के रहना। क्या बकवास कर रहे हैं आप, वो क्या मुझे भी बदल सकती है? मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? अरे ऐसी बात नहीं है सरोजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ, भरोसा होना बहुत जरूरी है। वो लड़की अब हमारी सोसाइटी में रह रही है, आज से पहले वो चाहे जैसी भी रही हो, पर अब से मैं उसे एक संस्कारी महिला बना दूंगी, आप बस देखते जाइए। मैं अच्छी तरह समझ गया सरोजा, तुम जो ठान लेती हो उसे पूरा करके ही मानती हो। हाँ बिल्कुल। हाँ? टीवी पर अपनी बत्ती सी दिखाती है ई करके, इसे एक्टिंग कहते हैं क्या? यहाँ आकर 4 दिन नहीं हुए कि मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैडम। हाँ? दूध का बिल। क्या, परसों ही तो दिया था। ये रूम नंबर 420 का बिल है, स्वीटी मैम का, सर ने कहा था लेने के लिए। सुनिए जी, आपने कहा था क्या इसे? मुझे नहीं पता, क्या है रे? मैडम ने आपसे लेने के लिए कहा था। कहीं तो कुछ कंफ्यूजन है, एक मिनट रुको रुको रुको। अरे सर, इधर बात कर रहे। अरे पतलू मरवाएगा क्या तू, इधर क्यों आ गया है? अगली बार राव से लेना। अच्छा ठीक है। ले ले ले, थैंक यू। निकल निकल निकल।
कंफ्यूजन में इधर आ गया था वो। मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या? जब से वो यहाँ शिफ्ट हुई है तब से ये सब हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई पैसे मांगने यहाँ जाता है और अब राव के यहाँ भेज देते हैं। ऐसा वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ देखिए, अभी दूध वाला आया था और एक घंटे से आप उसकी तारीफ कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रही हो? ए भगवान, मुझ पर मेरी बीवी शक कर रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा भगवान। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। Something is wrong somewhere. ये राज मैं स्वीटी को घर बुलाकर पता करके ही रहूंगी। अरे ये क्या बात हुई? उन लोगों की बीवियाँ हैं, इसलिए उन लोगों ने स्वीटी को दूसरा फ्लैट लेकर के दिया। राव के साथ उसकी बीवी नहीं रही। लगता है अपनी बीवी की कमी पूरी करने के लिए वो स्वीटी के फ्लैट में जा रहा है। और ये इधर कैसे? मैं तो मर गया। डार्लिंग, डार्लिंग, आई लव यू। आओ ना, मेरे को हग करो ना, आओ ना। स्वीटी हमारे फ्लैट में कैसे? हमारे फ्लैट में स्वीटी नहीं आई है, स्वीटी के फ्लैट में मैं आई हूँ। ऐसा क्या? यस, ये मेरा फ्लैट है। गलती हो गई है। वो सामने वाले फ्लैट में जाके थोड़ी सी घटक ली, चलेगा ना कन्फ्यूजन। ओके, तुम ड्रिंक करने लगे हो? तुम्हारे दुख में मैंने पीना शुरू किया है। हम दोनों मिल गए ना तो दारू भी छूट जाएगी। पर स्मेल नहीं आ रही है। अरे बदबू ना है, इसके लिए मैंने ब्रांड वाली पिए। आओ ना, चलो चलो, चलते आ जाओ। अरे आओ ना डार्लिंग। चप्पल से धू क्या है? अरे क्या हुआ? सॉरी है मैडम, गर्म मिजाज की है। या ओके श्योर। आपको गलतफहमी नहीं हुई ना? आप लोग लगे रहो, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बच गया। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। सर, अफ्रीका से आपके लिए पार्सल आया है। अरे वाह, बहुत अच्छा। एक साल से पार्सल का इंतजार कर रहा हूँ। पेमेंट हो गया क्या? अभी 75 लाख ट्रांसफर किया मैंने। वेरी गुड। वाह, एक बार दिखाएंगे सर? इट्स नॉट फॉर सेल सर। गुड। कैसी हो माँ? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं इस वीकेंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगी। डाइट फॉलो कर रही हो ना? अरे सुनो जी, आज क्या खाया था? आज पिज्जा खाया। लक्ष्मी, ये लो, डैडी से बात करो। हाँ हाँ, दीजिए ना। कैसी हो बेटी? हाय डैडी, आई एम वेरी गुड। पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत ही अच्छी चल रही है डैडी। तुमने सही समय पे फोन किया है। तुम्हारी माँ को देने के लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ। दिखाता हूँ, तुम भी देखो, जरा पकड़ो। अफ्रीकन डायमंड फिक्स किया हुआ एकमात्र नेकलेस है ये, और ये दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा। ये लो, पहन लो। वाओ, सुपर मम्मी। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है मम्मी, बहुत बढ़िया है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लगा बेटी? बाय मम्मा, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे ये भाभी के लिए है। अरे सुनिए तो, ये राव कहाँ रह गए? हाँ अभी देखता हूँ कहाँ है वो, अभी फोन लगाता हूँ। राव, अरे भाई कहाँ हो तुम? अरे वो छोड़ो, कल रात ना स्वीटी के साथ झगड़ा हो गया, ये बात मेरी पत्नी को पता चली ना तो मेरा डिवोर्स पक्का। अरे यहाँ पर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। देख तू ये सब बातें छोड़ और चुपचाप यहाँ आ जा। अरे नहीं रे बाबा, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अरे रे सुन, मेरे लिए केक बचाना, मैं भी खाऊंगा। हाँ केक तूने ही मंगवाया ना, उसने कहा कि उसे देर हो जाएगी, तब तक केक काट लेते हैं। हाय एवरीबॉडी। हेलो, अरे ये यहाँ कैसे? अरे मैंने बुलाया ही नहीं। क्यों? हमें कुछ डाउट्स हैं तो सोचा क्लियर कर लेते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आप दोनों की बिल्कुल राम सीता जैसी जोड़ी है। मुझे तो दोनों लैला मजनू लग रहे हैं। थैंक्स, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। चलो केक काटते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आपका नेकलेस बहुत सुंदर है, इन्होंने दिया है एनिवर्सरी गिफ्ट। ओके ऑसम, थैंक यू।
थैंक यू। गोल्ड शॉप के ओनर ने एनिवर्सरी पे गोल्ड के बजाय सिल्वर दिया है, इस बात का राज क्या है? सिल्वर जुबली में सिल्वर ही देना चाहिए ना। और क्या है ना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश है, ये बात दर्शाने के लिए ना आज सालगिरह में प्योर अफ्रीकन डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया है मैंने इनको। ये इतनी आसानी से नहीं मिलता, इंडिया में तो कहीं नहीं मिलेगा, ये पूरे 1 करोड़ का है ये। कुछ समझ में तो नहीं आया पर सुनकर अच्छा लगा मुझे। हाय, हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हाय श्री जी, कैसी हैं आप? फाइन। अच्छा सुनिए, आप सब लोग बैठ जाइए, मैं खाना सर्व करती हूँ। स्वीटी, हमारी बिल्डिंग में भूत भटक रहा है, तुम्हें इस बारे में पता है क्या? तुमने देखा क्या? नहीं। लगता है इसे सब कुछ याद है। मर गए। लगता है सारी औरतें आपस में बहुत क्लोज हो गई हैं। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, उन्हीं के पास जाओ। जाना। मेरा कॉल आया। हेलो। हाँ, ओके। वो इधर क्यों देख रही है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल जॉब है ना आपकी। स्वीटी, तुम्हारा जो अभी लेटेस्ट गाना आया ना, वो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। मैं कितनी बार सुनती हूँ पर बोर नहीं होती। थैंक यू सो मच। मुझे तो वो गाना याद भी हो गया है। थैंक यू। क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। और आपका नंबर? हाँ, 9391026498। और आपका भी दीजिए ना। 9866446664। मैं सबको व्हाट्सएप पे ऐड करती हूँ। ओके ठीक है। अरे जो नहीं होना चाहिए था वही मेरा हो रहा है। गर्क हो गया। अब हमारा क्या होगा? आज नाइट शिफ्ट किसकी है? इतना कंफ्यूज मत हो, मैडम ने रेड्डी जी को बुलाया है। मेरा? आज तो तेरी सिल्वर जुबली है। आप क्या करोगे मैं नहीं जानती, मुझे बस वो नेकलेस चाहिए। अरे वो कस्टम मेड है स्वीटी, मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है। बेकार के बहाने मत बनाइए। कल मुझे शूटिंग पे जाना है और मैं वही नेकलेस पहनकर जाना चाहती हूँ। स्वीटी ये क्या डिमांड कर रही हो? मैंने कोई जबरदस्ती की थी क्या? पैसे दिए थे तुम्हें? पैसों के साथ और भी बहुत कुछ दिया है, तो नेकलेस नहीं दे सकते? या एक गिफ्ट देने के लायक भी नहीं हो तो हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना। अरे कितने पैसे चाहिए तुम्हें बताओ, भिजवाता हूँ। अगर वो नेकलेस तुम्हारे गले में दिखा ना तो डिवोर्स हो जाएगा मेरा बीवी के साथ। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती, मुझे बस वो नेकलेस चाहिए, नहीं तो आप स्वीटी को कभी नहीं देख पाएंगे। स्वीटी। हेलो, नेकलेस मिला क्या? नहीं सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। अरे दिल्ली में ट्राई करो। ट्राई किया सर पर नहीं मिल रहा है। और कलकत्ता में? नहीं सर, वहाँ भी नहीं मिला। राजस्थान में देखा क्या? सर वहाँ पर हमारी पहचान के 50 लोग हैं, सबसे पूछा पर वहाँ भी नहीं मिला। हेलो, सुनो रवि। हाँ सर। आज तुम शाम को कैसे भी करके सेम डुप्लीकेट नेकलेस तैयार करो। अच्छा डुप्लीकेट? हाँ। ओके सर। हाँ। ऑसम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर लग रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वैसे मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। ये नेकलेस आपकी वाइफ से ज्यादा मुझ पर अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे हो? बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी खूबसूरती को देखना आपको पसंद नहीं है क्या? एनीवे, थैंक यू सो मच, मैं आपको एक अच्छी कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। ओह वाओ, इंस्टाग्राम पे जैसे ही पोस्ट किया 50K लाइक्स और कमेंट्स भी आने लग गए हैं। वाओ रेड्डी जी, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं ना? आई रियली लाइक इट। हाँ बोलो। सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? पहले आप आइए तो सही। बात क्या बताओ तो सही। एक लेडी को प्रेग्नेंट करके एक आदमी नाटक कर रहा है। रेड्डी, क्या हुआ रेड्डी, फंस गया क्या? वहाँ देखिए सर। अपन में हुनर भी, अपन में स्टाइल भी, अपन के जैसा कोई दुनिया भर में नहीं। अपन में हुनर भी, अपन में स्टाइल भी, अपन के जैसा कोई दुनिया भर में नहीं। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, सबको याद नानी मैं दिलाओ। जाएगा कहाँ तू, अगर मेरे यार रख तू, तेरे दिल में सब बच के जा पाएगा ना। ये सब करने से पहले अपनी उम्र तो देख लेते। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? राव भाई साहब, आप तो कुछ बोलिए। जी जी, वो ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती?
आने दीजिए राजू को, वही आकर सबको सबक सिखाएगा। बोलो चुप क्यों खड़े हो, जवाब दो। ये कौन है? ये लड़का हमारे प्रेसिडेंट साहब का ड्राइवर है और ये हमारे वॉचमैन की लड़की है। इसके प्यार के नाटक ने इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। भी शर्म कहीं का जवाब दे। अरे आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? डांटिए इसे। चुपचाप शादी कर लो वरना पुलिस को दे दूंगा। अरे पुलिस के पास क्यों लेकर जाना है इसे? यही बांधते और इसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं। तेरे जैसे पापी को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये बच्चा मेरा, इसकी क्या गारंटी है? अरे ची ची ची, अरे ये क्या बोल रहा है? अरे भरोसा होना चाहिए। भरोसा टूट गया तो? ए तूने आखिर क्या बोला रे? तू क्या कहना चाहता? पैदा होने तक वेट करूंगा, अगर उसका चेहरा मुझसे मिला तो ठीक है। ठीक है लड़की, अगर पुलिस के पास गई तो क्या करोगे? डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। क्या कहा, डीएनए टेस्ट करवाएगा? इस लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहा था तब समझ में नहीं आया ये सब? तुझे कहता है भरोसा नहीं है? गंजा कर देना चाहिए। एक इज्जतदार लड़की को बेइज्जत करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाता है, उसे प्रेग्नेंट करता है और अब कह रहा है कि वो बच्चा तेरा है भी या नहीं? पता करेगा फिर शादी करेगा। इनको समझाइए ना, मारना बंद करें प्लीज भाई। देखो जरा इस बेचारी की आंखों में आंखें डालकर देखो, प्यार किया था तो इसे समझने की कोशिश तो करो। अरे आप तो कुछ समझाइए इन्हें। प्यार का मतलब भरोसा होता है। हाँ, वो एक जिम्मेदारी होती है और प्रेगनेंसी प्यार का एक रूप होता है। प्यार करते हो तो शादी कर लो, अगर वो परेशान करेगी तो हम देख लेंगे। जिंदगी भर हम तीनों तुमको सहारा देंगे। हैं? सही है, एकदम सही। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इससे शादी करूंगा, आशीर्वाद दीजिए हमें। आप लोग, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। एक दिन वाट लगाएगा। मुझे तो लगा था कि ये तीनों फंसने वाले हैं, अभी तो ये लोग बच गए, लेकिन आगे क्या होगा? क्या होगा सर? वो राजू की बीवी कुछ भी गड़बड़ होने पर सीधे चैनल में बैठा देगी। अच्छा आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। कंटिन्यू कंटिन्यू। तुम रिसेप्शन पर रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हाँ ठीक। ये क्या मेरे लिए है? ये दूसरे कस्टमर का है, तुम उतरो। अरे सुनो। हाँ? तुम्हारे जैसा सेम नेकलेस स्वीटी के पास भी है। अच्छा, और उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, दिखाओ दिखाओ। देखो ये देखो। अरे कहीं इनको सच तो नहीं पता चल गया? एक काम करता हूँ। सेम है ना? हाँ? सेम टू सेम मिरर नेकलेस जैसा। अरे लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई। चलो चलो चलो, गाड़ी में पार्सल भूल के आ गया हूँ, लेकर आता हूँ, तुम लोग चलो आगे चलो आगे चलो चलो। अपने हुनर भी अपन स्टाइल भी अपन के जैसा कोई दुनिया भर में नहीं। अपने हुनर भी अपन स्टाइल भी अपन के जैसा कोई दुनिया भर में नहीं। ऐसा बनाओ ऐसा दौड़ाओ सबको याद नानी मैं दिलाओ। एक बार खाएगा तू बार बार मांगेगा तू ना भूलेगा तू मुझको एक बार जरा चख तू। कितना खूबसूरत है, उससे नहीं मिला तो डुप्लीकेट ही बना दिया, पर मुझे क्या, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके मैं अपनी बीवी से तो बच गया, जब तक ये पता चलेगा ये डुप्लीकेट हूँ तब तक तो मैं सेफ हूँ। अरे यार तुम कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो? उस गुरुजी के एडवाइस काम नहीं कर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन हमने कोई पाप किया है क्या जो हम लोग इस तरह से परेशान है? अभी उसको कैसे समझाएंगे? अरे बापू पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर उसने वो नेकलेस किसी को दिखा दिया ना और उसने बता दिया कि ये डुप्लीकेट नेकलेस है तो फिर समझ लो कि मैं तो फांसी लगा के मर जाऊंगा। अब तुम ही मेरी हेल्प करो बापू। फिर हम दोनों का क्या होगा? आज रात में लाइट ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, डुप्लीकेट नेकलेस रख कर ओरिजिनल लेकर के आता हूँ। क्या कमाल का आइडिया है, बहुत अच्छे। ये कौन सिटी बजाते हुए जा रहा है? ये
वॉचमैन 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 हाँ सर वो गाड़ी वाला कौन है वो गाड़ी वाला 420 फ्लैट में जाता है मैडम ने ही उसे आने की परमिशन दी है तभी तो वो मुझे कभी कभी आने से रोकती है हमारे पेट पीछे यहाँ पे कुछ तो कांड हो रहा है अब तो स्वीटी पे नजर रखनी पड़ेगी ओके या आई विल बी देयर बाय क्या बात है आप अचानक कैसे जल्दी बताइए मुझे जाना है देखो तुम प्रेग्नेंट हो ना तो कहीं तुम्हारा वो बच्चा काला ना हो जाए इसलिए मैं ये राजस्थान से कुमकुम फूल लाया हूँ इसे नहाने में इस्तेमाल करना है अब नहाने में इस्तेमाल नहीं करना है इसे दूध में डाल कर पीना है ओके आप इसे अंदर रख दीजिए मैं शूटिंग के बाद आके पी लूंगी दूध में डाल कर ही पीना है ठीक है इसे दूध में डाल कर रख दो मैं लेट हो रही हूँ हेलो यस यस हेलो सर आप बोर हो रहे होंगे इसलिए कंपनी देने के लिए आ गया आ जाओ आ जाओ और बताइए सर कैसे आना अब, होगा क्या है ना मैडम को कुमकुम फूल देना था वो क्यों देना चाहते हैं अरे ये देने से बच्चा सुंदर होगा ना क्या बात है सर आज मैडम का शूट है तो आज मैडम यहाँ नहीं रहेंगी मतलब आज वो दिन में यहाँ नहीं रहेगी नहीं सर अच्छी बात है वापस मत आना वो आएगा इसकी क्या गारंटी है है? आज हम लोगों में से किसी को नहीं बुलाया इसका मतलब कोई तो गड़बड़ है अगले आधे घंटे में कुछ तो होगा अरे इसका चेहरा नहीं दिख रहा है कोई पहचान वाला लगता है हाँ यार आवाज भी जानी पहचानी लगती है ये बात क्या कर रहे हैं बापू हाँ दिखा दिखा अरे ये तो गुरु जी देखो अरे ये क्या बात हुई योगा मास्टर वहाँ क्यों आए बताता हूँ स्क्रीन प्ले कैसा है सर अरे कमाल है थैंक्स आगे क्या हुआ ये बताओ आपस में प्यार बांटना सभी इंसानों के बीच प्यार से रहना एक दूसरे को प्यार देना बस यही इस गुरु की इच्छा है सर आप अंदर नहीं जा सकते गुरु जी बिजी हैं सुनो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं बी हैप्पी मेक अदर्स हैप्पी अब जाओ आइए मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था प्रेशर कम करने के लिए परेशानियों को दूर करने के लिए आशीर्वाद ले लो मेरा आशीर्वाद दे रहे हो तुम कहां से लूं आगे से या पीछे से तुम योगा सिखाते हो या लोगों को बेवकूफ बनाते हो बताओ वो कहां है पहले उसे बुलाओ अब शब्दों का प्रयोग वर्जित है आप लोगों के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि एक साल के अंदर हम लोगों अंदर ने तुम्हें अपना समझा था तुमने हमें बर्बाद कर दिया उसने हमें कितना टॉर्चर किया है पहले उसे बुलाओ हम उसे यही कर देंगे पर नियंत्रण रखो शरीर अलग है आत्मा अलग है गलती शरीर करेगा हाँ? तो क्या आत्मा को सजा दोगे तुम्हारी बातों में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है उसको बुलाओ पहले बुलाओ ऐसे क्या बात करना है चलो हम तुम योगा सिखाते हो या लोगों को बेवकूफ बनाते हो बताओ सब कुछ इसी ने किया है पहले तो इसको ही सबक सिखाएंगे पहले उसको बुलाओ सुनो शिष्यों ये वीडियो बहुत ही अहम है हमारे यहाँ के 30 लोग और उनकी पहचान के 30-30 लोग और वो सब 3-3 करके कई लोगों को भेजेंगे तो एक ही दिन में कई हजार तक पहुँच जाएगा सेंड कुल मिलाकर 30 लोगों को भेजा है तुम्हारे पास भी आया होगा जरा चेक करो धीरे से
जब आपको इतनी टेंशन हो रही है तो आपकी वाइफ को कितनी टेंशन होगी? हमारी पत्नियों को भी भेजा है क्या? अरे ये क्या बेवकूफी कर दी इडियट। हेलो रुको, सॉरी भाई वाईफाई वीक है ना तो वीडियो सेंड नहीं हो पाया। इसे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कितने खुश है। एक घंटे की खुशी के लिए इसने हमें एक महीने से टॉर्चर कर रही है। अरे मुझसे कितनी सेवा करवाई इसने, मेरी बीवी पेट से थी तब भी मैंने इतनी सेवा नहीं की थी उसकी। जानती हो तुम्हारे चक्कर में ना कितने दिन से सोया नहीं हूँ। जरा देखो तो तुम्हें, वीडियो देखने के बाद भी तुम लोगों की आवाज कितनी ऊंची है। कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं कर रहे, थोड़ा सा घटा। इस वीडियो के वायरल होने से हमारी इज्जत तो जाएगी ही लेकिन तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। राजू जी आप शायद अपडेटेड नहीं है, मैंने वीडियो को ऐसे एडिट किया है कि मैडम का चेहरा ही ना दिखता। तो नतीजा यही हुआ कि टोटली तुम लोगों की जिंदगी की वाट लगने वाली है। ड्रग्स माफिया पता है, गोल्ड माफिया पता है, सिल्वर माफिया पता है, ये किस तरह का माफिया है भाई? बोलो ना। सेटलमेंट। सेटलमेंट बहुत सिंपल है सर, विदाउट लिटिगेशन के वो जमीन मैडम के नाम कर दीजिए और फिर उस जमीन पर घर बनाने के लिए राव जी 50 लाख का फाइनेंस करेंगे। मैडम कभी ना कभी तो शादी करेंगी ना, शादी करके वो हमेशा खुश रहें इसके लिए 50 किलो गोल्ड बिस्किट 50 किलो सिल्वर बिस्किट आप देंगे। इन सब के बाद मेरी मेहनत का मुझे 15 लाख रुपए कैश देंगे, इंक्लूडिंग GST है। हा? गुरु जी आप भी मांग लो। अरे नहीं रे ना, मैं तो योगी हूँ। बस इतना ही, आप लोग ये चीजें पूरी करो, मैडम फ्लैट खाली करके चली जाएंगी और मैं आपका वीडियो पेन ड्राइव में डालकर आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को बाद में स्वीट मेमोरी के हिसाब से देख लेना। सुनो, जिंदगी में पहली बार मैं बिना लिटिगेशन के साइन कर रहा हूँ और ये सब मैं इसके लिए कर रहा हूँ भाई, ताकि मेरा घर बच जाए। क्या सर, रेड्डी भाई ने मैडम के लिए डायमंड नेकलेस दिया है, क्या इन्होंने अपनी वाइफ को मैनेज नहीं किया? अरे मैं इसके जैसा नहीं हूँ भाई। सुनो बापू, वो नेकलेस मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें गोल्ड बिस्किट दे दूंगा। तो फिर उसके बदले 100 गोल्ड बिस्किट। अरे खाने का बिस्किट नहीं है जो ऐसे बोल रहे हो, गोल्ड बिस्किट है वो। इसीलिए तो 100 बिस्किट चाहिए। ठीक है फिर साइन कर दीजिए। अरे बाबा करो ना। ये लीजिए, ये लो, ये लो। प्यार से सर। पूरा पैसा निकल गया। थैंक यू सर। आप लोग खुश तो है ना? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप हेल्दी होना चाहिए ना सर। अरे ये कब बस रे, आया बड़ा रिलेशन वाला, चलो चलते हैं यहाँ से। बकवास कर रहा है। रेडी जी बताओ जी, इतनी जल्दी क्यों? चलो बालकों, आते जाते रहना भूलना मत, बी हैप्पी मेक अदर्स हैप्पी, सही कहा ना? अरे क्या देख रहे हो, चलो। इस कहानी से एक बात समझ में आती है। क्या सर? जो भी पराई औरत पे नजर डालेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, सही कहा ना? नहीं सर। क्यों? उन तीनों को उस अपार्टमेंट में पुरस्कार मिला। क्या पुरस्कार? हाँ। पूरे काम के लिए या नेक काम के लिए? नेक काम के लिए सर। अरे यार फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बताओ। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, ये सम्मान हम जिसे दे रहे हैं वो सम्मान लेने वाले खुद नहीं जानते। इस जरूरी बात को हमने सबसे छुपा कर रखा है, क्या वजह है सम्मान की? एनी गेसेस? मैं बताती हूँ, आज हम जिसे ये सम्मान दे रहे हैं वो है सुपर सिंगर स्वीटी जी। थैंक यू मैम, प्लीज बैठिए। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसे क्यों बुलाया? ये सम्मान देने की वजह क्या है इस बारे में स्वीटी जी आपको बताएंगी। नमस्ते, आज के दिन हमारे बीच पुरस्कार पाने वाले हैं
राजू जी, रेड्डी जी और राव जी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिल रहा है। जब मैं इस अपार्टमेंट में नई नई आई थी, तब इन तीनों को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत ही घमंडी लोग हैं। लेकिन ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और ये अपनी पत्नियों के अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। इन तीनों का दिल बहुत अच्छा है और सच्चा भी। हमारे रामायण में एक राम है, लेकिन हमारे अपार्टमेंट में तीन तीन राम हैं। सच में तीनों बहुत ही नेक इंसान हैं। गिरी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? पता नहीं। आपको पता ही क्या है? मदर टेरेसा अनाथ आश्रम बनाने के लिए हमारे राजू जी ने करोड़ों रुपए की जमीन दान में दे दी है। और हाँ, बाबूजी वृद्ध आश्रम के लिए हमारे राव जी ने लाखों रुपए दान किए हैं, जिसका सबूत ही पेपर्स है। इतना ही नहीं, सरस्वती ब्लाइंड स्कूल के लिए हमारे रेड्डी जी ने करोड़ों रुपए की गोल्ड बिस्किट्स स्कूल के लिए दान में दी है। ये कब किया हमने? ये क्या माजरा है बापू? मेरे को भी नहीं पता है यार। अरे मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छे लोग तो बहुत होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं, लेकिन पैसों को दान में देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। उन्हीं में से हमारे राजू जी, रेड्डी जी और राव जी। इनकी इंसानियत को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ और पुरस्कार देती हूँ। और इतना ही नहीं, इन पेपर्स को देने के लिए इनकी पत्नियों को मैं यहाँ इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज आइए। अब मैं इन पत्नियों से गुजारिश करती हूँ कि अपने पतियों के बारे में कुछ शब्द कहें। मेरे पतिदेव एक नेक दिल इंसान है, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। ये गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं नहीं जानती थी। अब मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं इन्हें कभी समझ ही नहीं पाई, पर आज से मैं इनकी हर बात सुनूंगी। जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, अब मैं इनके हिसाब से रहने की पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि जब मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी, तभी तो ये दूसरे लोगों का भी पूरा ध्यान रख पाएंगे। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी प्लीज। थैंक यू। ये लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। जनता की सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। उस भगवान को देखने के लिए मैंने कितनी पूजा पाठ की, लेकिन वो मुझे नहीं दिखे। लेकिन आज आप लोगों ने मेरे पति को ही भगवान बना दिया। आज से मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो खुश रहेंगे तो सारी दुनिया को खुश रखेंगे। धन्यवाद। सोनी जी, हाँ प्लीज। थैंक यू। मैं अपने पति से डिवोर्स लेने की सोच रही थी, पर पति पत्नी में तो गलत फहमियाँ होती ही हैं। इट्स नेचुरल। मुझे इनकी कुछ आदतें पसंद नहीं थी, लेकिन आज देखिए इन्हें लाखों लोग पसंद कर रहे हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं ही गलत थी। जैसे उनमें बदलाव आया है, वैसे ही मैं भी उनके लिए बदलूंगी। आज ही मैं इनके साथ अपने घर लौट जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। इतने बड़े कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे जो मौका दिया गया है, उसके लिए मैं राजू जी को, रेड्डी जी को और राव जी को थैंक यू कहना चाहूंगी। मेरी शूटिंग का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा। बाय। अनाथ आश्रम के लिए उनसे ही पैसा लेके उन्हें अवार्ड देने की क्या जरूरत? वो क्या है ना, अपने पास ज्यादा पैसा होने से टेंशन बढ़ जाती है और गरीबों का भला करने से इज्जत बढ़ती है ना सर? सिंपल भाषा में अगर आपकी तरह बोलूं तो पैसे वाले का पेट दुखता है, दान देने वाले की इज्जत बढ़ती है। जरा साफ साफ बताओ। अरे पद्मा, ये मैडम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर कहाँ जा रही हो? ये
रिपोर्ट मैडम की नहीं है, मेरी है। क्या? हाँ? हाँ? तो तुम हो क्या प्रेग्नेंट? मैं ही हूँ। किसकी वजह से? आप ही की वजह से। क्या बोल रही है? क्या बकवास कर रही हो? मतलब इन लोगों ने स्वीटी के साथ नहीं किया था क्या? नहीं सर, स्वीटी की जगह दूसरी औरत थी। अरे तुम ये बताओ ऐसा कैसे हो गया? स्वीटी के पीए ने किया था। आपने वो वीडियो ठीक से देखा नहीं था क्या? अरे वाइफ के डर से ठीक से नहीं देखा। तो अभी देख लीजिए। फोटोग्राफी थोड़ी वीक है पर लाइफ टाइम के लिए स्वीट मेमोरी है सर। स्वीटी के फ्रेंड्स की बात क्यों की थी? ये जो सेलिब्रिटी स्टार लोग होते हैं ना, इनकी साइड इनकम भी होती है, वरना गाड़ी बंगला कैसे अफोर्ड करेंगे? तुम बस पैसा फेंको और तमाशा देखो। इनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके लाइफ एंजॉय नहीं किया तो लाइफ वेस्ट हो गई भाई। ये सब क्या हो रहा है? मैंने उन्हें समझाया है कि मैडम ऐसे काम नहीं करती है, लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक मिनट। हेलो। हेलो गुरुजी। हाँ बोलो। आपने कहा था कि ये आपके पिताजी के फ्रेंड्स हैं इसलिए मैं प्रोग्राम के लिए मान गई थी, पर ये तो कुछ और ही चाहते हैं, अब मैं क्या करूँ? सुनो, अगर उनकी हैसियत को देख के उनके साथ कुछ गलत करेंगे ना, उनके स्टेटस को देख के कुछ गलत करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तुम उन्हें माफ कर दो। नहीं कर सकती, ये जो पैसे वाले लोग हैं इनके घमंड को मैं किसी भी तरह तोड़ के ही रहूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी इन्हें कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ये लोग। मैं समझ गया मैडम, क्या करना है मैं देख लूंगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या उनके फ्लैट में जाकर फिर से उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है? हाँ गुरुजी, मेरे जैसे लोग मेहनत करके पैसा कमाकर जिंदगी जीते हैं, और ये लोग सोचते हैं कि हम गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं, इसलिए इन्हें सबक सिखाना ही होगा गुरुजी, और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है गुरुजी। मैं तो हमेशा हेल्प करूंगा। सर मैं टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो लड़की है वो बालिग है, फेमस सिंगर है, इसके काफी फैंस हैं, इसलिए तुम्हारी बीवी अभी तालमेल मिला के उससे दोस्ती कर लेगी, उनके अंदर नफरत फैला के उसका बैंड बजाना होगा, तभी वो लड़की बोलेगी कि इस बच्चे का बाप कौन है, किसका रिश्ता है उससे, कौन है उसका असली बाप, फिर वो तुम्हें बदनाम कर सकती है। तभी तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुम लोगों ने। जब से स्वीटी हमारी जिंदगी में आई है एक बात मेरी समझ में आ गई कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है लेकिन औरत का दिल नहीं। तो सर घूम गया, कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार कहानी बनाई है तुमने। वाइफ को नेगलेक्ट करने वाले सारे मर्द जो बाहर दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं, उन सबको ये कहानी एक सबक के लिए देखना जरूरी है। कमाल का मैसेज छुपा है समाज के लिए। थैंक यू सर, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट। थैंक यू सर, इस पे जरूर फिल्म बनाएंगे। कल ऑफिस आना और चेक ले जाना। श्योर सर।